चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और तू चल। हाँ बताना, जल्दी चलना। कभी भी अपने बालों में टॉवल को इस तरह से रैप मत करो, इससे आपके बालों के रूट्स वीक होंगे और हेयर फॉल होगा। तो इसकी जगह आप किसी भी टी शर्ट पे स्विच कर सकते हो, क्योंकि टी शर्ट का फैब्रिक सॉफ्ट होता है, तो इससे आपके बाल ज्यादा डैमेज नहीं होते। और गर्मियों में हमेशा नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना चाहिए ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और कभी भी गर्म पानी से बाल मत धोना, इससे जो आपके हेयर रूट्स होंगे वो वीक होने के चांसेस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर की रूट स्ट्रॉन्ग हो और स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, उसके लिए मैं जो टोनर यूज करती हूँ ना, वो आप भी कर सकते हो। बस आपको चाहिए होगा राइस वाटर और टी बैग। इस टोनर के लिए जब भी मम्मी घर में चावल बना रही होती है ना, आप उसका पानी भी यूज कर सकते हो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बोल में राइस लेना है और पानी डाल के उसे वॉश कर लेना है। और सबसे पहला जो पानी होगा ना, वो गंदा होगा, उसे यूज मत करना। फिर इसे 2 से 3 बार और वॉश कर लेना। जो थर्ड टाइम इसका पानी बचेगा ना वॉश करके, उसे हम अपने टोनर में यूज करेंगे। फिर जो लास्ट पानी बचा है ना, उसे आप बोल में छान लो और उसमें टी बैग डाल दो और हो गया आपका टोनर रेडी। और आपको पता है, ये जो ग्रीन टी और राइस वाटर का मिक्सचर होता है ना, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि डैमेज्ड और ब्रिटल हेयर को स्ट्रेंथन और रिपेयर करता है। इसे लगाने के लिए बस आपको रूट्स पे से स्प्रे करना है इस तरह से। और इस मिक्सचर में ना कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बालों को शाइन भी प्रोवाइड करता है। रेडी हो जाती हूँ ऑफिस के लिए। ओह माय गॉड, इतना हेयर फॉल! बिना कॉम के इतने ज्यादा बाल टूट रहे हैं। कॉम करूंगी तो गंजी हो जाऊंगी। परेशान हो गई हूँ मैं। कोई देख ना ले। इतना हेयर फॉल होगा तो आज ही गंजी हो जाऊंगी मैं। क्या हुआ? हेयर फॉल। तो तू ये वाला ऑयल यूज करना। तुझे पता है, इसे मैंने खुद DIY करके बनाया है। और इसमें है कड़ी पत्ता, मेथी दाना, प्याज और कोकोनट ऑयल। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स करके उबाल लिया और फिर 2 दिन के लिए छोड़ दिया और फिर यूज करना शुरू किया। मेरा तो हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है। तू भी यूज कर, शायद तेरा भी हो जाए। हमारा ये वाला DIY हेयर ऑयल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर है कोकोनट ऑयल, करी पत्ता, मेथी दाना एंड अनियन। अनियन हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, मेथी हमारे हेयर लेंथ को इम्प्रूव करता है और कोकोनट ऑयल हमारी हेयर को बहुत अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपके भी मेरी तरह इतना हेयर फॉल हो रहा है ना कि पूरे कपड़ों पे, घर में, सब जगह बाल ही बाल नजर आ रहे हैं, तो आप भी ये हेयर ऑयल ट्राई कर सकते हो। इससे मुझे तो हेल्प मिली, क्या पता आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यार कितना लेजी डे है। चलो ब्रश कर लेती हूँ। नहीं, सुबह सुबह पहले उठकर ब्रश नहीं, हेयर कॉम करना चाहिए। इससे पूरा दिन ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और ये आपकी स्कैल्प को स्टिमुलेट भी करता है और आप इससे बहुत ज्यादा अच्छा भी फील करोगे। रेडी हो सोने, चलो सोते हैं। अरे यार, नाइट स्किन केयर तो कर लूं, कल मॉर्निंग में स्किन फ्रेश भी तो दिखनी है। चलो। टोनर लगा लिया, मॉइस्चराइजर भी हो गया, नाइट क्रीम हो गई, लिप बाम लगा लेती हूँ। हाँ, ये भी हो गया। आई एम रेडी। वाओ, स्किन तो बहुत अच्छी लग रही है। एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ। ये सब हंस क्यों रहे हैं? छोड़ो, मुझे क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हेयर केयर कर लेती हूँ। जैसे हमारी स्किन के लिए स्किन केयर इम्पोर्टेंट है, वैसे ही बालों के लिए हेयर केयर इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ऐसे क्यूट हेयर स्टाइल्स बनाना बंद कर दो, क्योंकि बाल जो है ना इससे स्ट्रेच होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से नहीं होता। आप चाहते हो कि आपके बालों के साथ भी ऐसा ना हो ना, तो सबसे पहले अपने बालों को डिटैंगल कर लो और फिर अच्छे से सीरम अप्लाई करके कोम कर लो बालों को। और अगर आपके बाल छोटे हैं ना, तो ऐसा कोई भी फ्लफी सा स्क्रंची लो और लो पोनी टेल बना के टाई कर लो और फिर रेडी हो आप सोने। आपके बाल इससे डैमेज भी नहीं होंगे, पता है। चलो मैं तो चली, पर वेट, अगर आपके बाल लंबे है ना तो ऐसा बिल्कुल मत करना, अच्छे से प्लीट्स बना कर ही रखना। पर याद रखना कि जो प्लीट्स हो ना वो लूज हो, ताकि आपके बालों में कोई भी ब्रेकेज या डैमेज ना हो और सुबह उठ के आपके बालों एकदम हेल्दी। हाँ, आज तो शैम्पू करके नहाना है, बाल भी कॉम करने हैं। ओ, इतने क्यों उलझ रहे हैं यार, ये क्या हो गया बालों को कॉम से। ओह हाँ, इससे नहीं होगा ना, स्ट्रेटनर कर लेती हूँ। अब इससे तो सुलझेंगे ना कम से कम। इतना धुआं अभी भी नहीं सुलझ रहे, क्यों हो रहा है ऐसे। अब हम में से ज्यादातर लोग यही तो करते हैं, बिना बालों को कोम किए सीधे चले जाते हैं शैम्पू करने के लिए। अब उससे होता यह है कि हमारे बाल पहले ही इतने उलझे होते हैं, और जब हम हेयर वॉश करते हैं तो हेयर वॉश करते टाइम भी हमारे बाल और ज्यादा उलझ जाते हैं। तो उससे होगा क्या, और क्या ज्यादा हेयर फॉल होगा ना। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप जब भी अपना शैम्पू करने जाओ तो अपने पहले बाल अच्छे से डिटैंगल कर लो और फिर हेयर वॉश करो। इससे आपके बालों का हेयर फॉल भी कम होगा। और उसके बाद अपने गीले बालों की लेंथ में सीरम लगाओ, और हाँ, अपने बालों को कॉम करने की जगह अपने हाथों से पहले सुलझा ले। मेक श्योर कि आप अपने गीले बालों पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज ना करें, जैसे कि रोलर, स्ट्रेटनर, क्योंकि उससे हमारे बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं। और हो सके तो अपने हेयर ड्रायर को भी इग्नोर करो और नेचुरली अपने बालों को ड्राई होने दो। हाँ, कितना अच्छा दिन था। चलो हाँ, बाल खोल लेती हूँ। ओह, ये कितना उलझ रहा है मेरे बालों में, रबर बैंड। ओह ये क्या, इतने सारे बाल, और रबर बैंड में भी इतने सारे बाल टूट गए। क्या करूं मेरे बाल। अरे मैडम, हेयर फॉल हो रहा है। तेरी, ये तो मेरे हेयर ब्रश से आवाज आई। अरे हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, आपका कॉम्ब। तो बहन हर वक्त खुद को चमकाती रहती है, कभी मुझे भी चमका दिया कर। सही बोला, अभी वॉश कर देती हूँ। कई बार हमें यही नहीं पता होता कि कौन से प्रोडक्ट हमारे बालों के लिए सही है और कौन से प्रोडक्ट हमारे बालों को डैमेज कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। ऐसे जो प्लास्टिक रबर बैंड्स होते हैं वो हमारे बालों को बहुत ज्यादा उलझा देते हैं, तो इसीलिए आप इस तरह के प्लास्टिक रबर बैंड्स को यूज करना इग्नोर करो। बट अगर आप यूज कर भी रहे हो तो मेक श्योर कि आप उनको ऐसे खींच के अपने बालों में से ना निकालो, बल्कि उसकी जगह आप उनको सीजर से काट दो। तो आप अपने प्लास्टिक रबर बैंड्स को ऐसे स्क्रंचीज से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ऐसे जो स्क्रंचीज होते हैं वो सैटिन से बने होते हैं, जिससे हमारे बालों में वो उलझता भी नहीं है। ये देखो, रोज रोज एक ही हेयर ब्रश को यूज करते करते उसमें भी गंदगी जम जाती है। तो इसीलिए हमारे हेयर ब्रश को वॉश करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कि आप हफ्ते में या फिर 10 दिन में अपने हेयर ब्रश को एक बार वॉश जरूर करें, ताकि हमारे बाल भी हेल्दी रहे और हमारा हेयर ब्रश भी साफ रहे। और मैंने ऐसा कई बार नोटिस किया है कि मेरे बाल कॉटन पिलो कवर यूज करने से बहुत ज्यादा ब्रेकेज हो जाते हैं, क्योंकि कॉटन में हमारे हेयर चिपक जाते हैं और उससे रब होने की वजह से बहुत ज्यादा ब्रेकेज होती है। तो इसलिए मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपने कॉटन पिलो केस को रॉ सिल्क कवर से रिप्लेस कर दो, उससे आपके बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे। हे गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा ये हेयर केयर हैक्स वीडियो? पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।